हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे एसएससी एमटीएस में कितना नंबर आने पे आपका जो है डीवी के लिए होप बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कितने नंबर की कम से कम आवश्यकता रहेगी कि इतने नंबर अगर आपके बनते हैं तो आपको जो है डीवी के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हमने बताया आपको कितने मिनिमम कट ऑफ होने चाहिए। मिनिमम बताया दोस्तों, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हम, कि मिनिमम कम से कम इतने नंबर तो आपके होने चाहिए कि आपको जो है डीवी के लिए बुलाया जा सके। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देर न करते हुए। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्मार्ट नौकरी चैनल पे दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा सबसे आगे मिलती है। और साथ ही दोस्तों, जब भी क्वेरी नोटिफिकेशन आता है सरकारी फॉर्म का, जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि हमारे चैनल पर यानी स्मार्ट नौकरी चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के ही फॉर्म्स के बारे में बताया जाता है। कैसे आपको सरकारी नौकरी के जो है क्रैक करना है, क्या उसे कट ऑफ रहेंगे, कब उसका रिजल्ट आएगा, सब कुछ यानी फुल डिटेल्स में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है स्मार्ट नौकरी चैनल पर। साथ ही दोस्तों, जब भी कोई नया वैकेंसी आती है तो हम उसके पूरे प्रोसेस को आपके लिए लेकर आते हैं एनालिसिस के साथ। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर कट ऑफ को लेके और इस साल कितनी कट ऑफ जाएगी, क्या स्टडी मटेरियल रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पैटर्न पेपर पैटर्न में कुछ चेंजेस हुआ है, मतलब हम आपको पूरे डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आइए अब देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले चीज़ कि एसएससी एमटीएस में कितना कट ऑफ जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इस पर बात करेंगे। तो हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि सबसे पहली चीज़ ये कि जर्नल, जी हाँ दोस्तों, यूआर वालों के लिए अनरिजर्व काफ़ी जो है दिक्कत होता है, क्योंकि काफ़ी लोग की शिकायत रहती है सर कट ऑफ कितनी जाएगी, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। तो अनरिजर्व यानी यूआर के लिए आपकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए मिनिमम मार्क्स में बता रहा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप वीडियो के नीचे कमेंट करने से पहले इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने मिनिमम कहा है, तो मिनिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप जो बताते हैं कि सर 90 के आसपास जाएगी कट ऑफ, 85 के ऊपर जाएगी, वो बात अलग है, अपनी जगह है, बट हम यहाँ पे होप की बात करें कि कितने मार्क्स जो है मिनिमम होने चाहिए कि आप जो है अपनी आशा जिंदा रख सकते हैं कि हाँ सर, मुझे अभी भी उम्मीद है कि मेरा जो है नाम आ सकता है लिस्ट में। तो अनरिजर्व से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों, अगर आपके मार्क्स 75 से लेके 80 के आसपास में आते हैं, जी हाँ दोस्तों, 75 से 80 मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं, तो दोस्तों अनरिजर्व की कैटेगरी में से आपका सिलेक्शन के लिए आपका होप रखना वाजिब है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 75 से 80 का जो नंबर होता है दोस्तों, एक कम नंबर नहीं है, ये बहुत ही सफिशियंट नंबर है, और ये नंबर्स इतने आसानी से नहीं आते। तो कट ऑफ जो है इस बार इतनी ज़्यादा जाने की कोई भी जो है चांसेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर पैटर्न चेंज हुआ था इस बार का, और पेपर पैटर्न चेंज होता है और हर साल के हिसाब से जो है आपको पता है कॉम्पिटिशन लेवल कितना बढ़ रहा है। लेकिन जो आपका ओवरऑल औसतन देखा जाए तो यहाँ पर दो चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है, वो है CGL और दूसरा है CHSL। तो ये दोनों एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट है वो MTS के रिज़ल्ट के एकदम पास में ही है। इसके वजह से क्या हो जा रहा है कि काफ़ी बच्चे जो है डाइवर्ट हो रहे हैं, और डाइवर्ट होने का रीज़न ये है कि जो बच्चे जो है SSC की तैयारी करते हैं वो ये नहीं देखते वो CHSL का पेपर दे रहे हैं या MTS का दे रहे हैं चाहे वो CGL का दे रहे हैं, वो तीनों भी पेपर के लिए अपनी तैयारी एकदम जोर शोर से शुरू करते हैं। और जो बंदा CGL की तैयारी कर रहा है और CHSL तैयारी कर रहा है, वो सोच सकते हैं वो MTS में कितने अच्छे मार्क्स जो है स्कोरिंग कर सकता है ऑब्वियसली। लेकिन जब उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी दोनों जगह से आएगी, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि ऑब्वियसली आदमी जो है बड़े पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देगा। तो यहाँ पे जो है आपके डिवाइड जो हो जा रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो है जो हाई स्कोरिंग वाले स्कोरिंग है वो चले जा रहे हैं अपने अपने ड्रीम जॉब के लिए यानी कि CGL या CHSL के लिए, जिसके वजह से जो है कट ऑफ में गिरावट हो रही है। और काफ़ी जो आपको पता है कि 20% से ज़्यादा लोग जो है एब्सेंट हो जा रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव के लिए बैठे ही नहीं थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल निभा रही कट ऑफ को लेकर। अब बात करेंगे हम OBC की, तो अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC के लिए आपकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए मिनिमम दोस्तों। जी हाँ, मिनिमम मार्क्स आपके कितने होने चाहिए, तो ये जो इंपॉर्टेंट है ये, तो ये है दोस्तों आपका जो है 75। जी हाँ दोस्तों, 75 प्लस में आपके मार्क्स होना ज़रूरी है, 75 प्लस में। आप इसमें एक दो मार्क्स नीचे भी कर सकते हैं, यानी अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊँ तो अगर आप 72 से लेके 75 के आसपास में हैं, जी हाँ दोस्तों, 72 से 75 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं और आपने OBC को जो है चूज़ किया है यानी अदर बैकवर्ड क्लास से फॉर्म भरा है, तो आपके लिए यहाँ पर होप रहेगी दोस्तों आसानी के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है ऑल जो है मैं स्टेट्स की बात बता रहा हूँ। जी हाँ, ये औसत है, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जो है अगर आपने सभी राज्य के प्रेफरेंस दिया है तो कहीं ना कहीं आपका जो है सिलेक्शन लगभग होना तय है। अब बात करते हैं SC की, शेड्यूल कास्ट की। तो शेड्यूल कास्ट की बात करें तो ये काफ़ी जो है ऑल ओवर स्टेट्स में जो है उतार चढ़ाव भरा हुआ है, कहीं 60 पे जा रही है, कहीं 55 जा रही है, कहीं 65 जा रही है। लेकिन अगर हम एक औसत जैसे हम कहते हैं कि अगर एक नंबर में कहना हो कि कितने नंबर अगर SC कैटेगरी में है और सभी हम लोग ऑलमोस्ट जो है प्रेफरेंस दिया है स्टेट का, तो हमारे मार्क्स इतने कितने होने चाहिए कि हम जो है अपना होप रख सकते हैं। तो दोस्तों 65 प्लस में अगर आपके मार्क्स आते हैं यहाँ पर और आप SC से फॉर्म भरे हैं, जी हाँ दोस्तों, 65 नंबर के आसपास में अगर आप हैं,
तो आसानी के साथ दोस्तों कहीं ना कहीं किसी न किसी आपका राज्य में जो है आसानी के साथ सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने प्रेफरेंस दिया होगा। और दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये मिनिमम कट ऑफ है, तो 65 नंबर जो है कम नहीं है, बहुत ही जो है सफिशियंट नंबर है। इतने नंबर लाना बहुत ही कहते हैं कि ना काबिलियत तारीफ वाली चीज़ है, क्योंकि 65 नंबर इतना आसान नहीं। जो बंदा पेपर देता है उसे पता होता है एक एक नंबर की वैल्यू क्या है, कितने मेहनत से एक नंबर आता है इंसान का, कितनी तैयारी करने के बाद एक नंबर आता है। और यहाँ बात हो रही है 65, वो भी 100 में से। तो दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि 65 नंबर बहुत है, सफिशियंट नंबर माना जा रहा है यहाँ पर SC के लिए। अब बात करते हैं ST की, तो ST की बात करें तो यहाँ पर अगर ऑल स्टेट्स की बात करें तो आपने देखा होगा कट ऑफ टीयर 1 का CBT जो आपका हुआ था, तो यहाँ पे भी काफ़ी आपको जो है उतार चढ़ाव से भरा हुआ देखने को मिला होगा। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम 1 नंबर्स में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर चीज़ का जैसे कहते हैं कि ना फर्स्ट रैंकर होता है, चाहे वो 0.5 से ही क्यों ना आगे हो सेकंड रैंकर से, लेकिन रैंक 1 हमेशा एक ही इंसान को मिल सकता है। तो यही बात होती है कि अगर हम एक नंबर में बात करें ST की, तो यहाँ पर अगर आपके नंबर जो हैं 60 हैं, जी हाँ दोस्तों 60 के आसपास में भी आपके नंबर हैं, तो आसानी के साथ, जी हाँ दोस्तों इसमें कोई चांस नहीं है, आप आराम से होप रखिए, यहाँ पे तो आपको जरूर DV के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों DV के लिए भी कम से कम 10 से 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, डिपेंड करता है जो कितने बच्चे जो है क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बाद एक एवरेज निकाला जाता है एल्गोरिथम के हिसाब से, उसके बाद जो है डिसाइड करते हैं कि इस बार 10 बच्चों को बुलाएंगे एक वैकेंसी पर, यानी कि 1:10 का रहेगा या 1:15 का रहेगा। तो ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, ये डिपेंड करता है अभी डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट के बाद के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे जो 60 नंबर है, अगर ST में आपके नंबर आते हैं 60, तो आसानी के साथ दोस्तों, जी हाँ 60 नंबर बहुत आसान नहीं होता दोस्तों, आपको मैं बता दूँ। और भी ST जो है कास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा जो है 55-50 तक ही कट ऑफ जाती थी, लेकिन अभी जो है कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ गया, लेकिन ओवरऑल अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो सभी जगह 60 नंबर लाना नामुमकिन है। जी हाँ दोस्तों, हर स्टेट में आपको पता है कि कहीं कहीं स्टेट्स में जो है 40 से 50 नंबर के बीच में मार्क्स आ जा रहे हैं, क्योंकि 60 नंबर बहुत ही बड़ा नंबर होता है अगर मैं बात दिखा जाए एक औसतन, तो ST कैटेगरी में मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे अगर 60 नंबर आपके हैं, ST से आप बिलोंग करते हैं, तो आसानी के साथ जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। DV के लिए आपकी होप बनी रहेगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर से आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हो, बस कुछ भी डाउट्स हो किसी भी कैटेगरी के बारे में और भी पूछना हो, आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम डायरेक्ट आपको वहाँ पे उसका आंसर दे देंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अपडेट के साथ। और दोस्तों अगर अभी तक आपने स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।